हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहतो आयर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। थोड़ा मैं फिर से एक नए वीडियो साथ आ चुका हूं फ्रेंड। और गए जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज गए जहां पे 4 अगस्त, और इसी के साथ गए जहां पे बता दूं कि जो 2.7 वर्जन का अपडेट के बाद एक अचीवमेंट आया था डक फ्लिट करके, उसका गए जहां पे जो अचीवमेंट है अब उसको आप लोग चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो। तो आइए गए जहां पे एक करके आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूं कि इस अचीवमेंट को आप लोग कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो देख सकते हो गए जहां पे अचीवमेंट का आप लोग को नाम दिखेगा डक फ्लिट करके, और देख सकते हो गाइस मैं ऑलरेडी ये जो अचीवमेंट है इसको यहां पे कंप्लीट भी कर चुका हूं। जहां पे आप लोगों को करना ही है गाइस कि टोटल मिला के 6 जो डक आप लोगों का बोट रहता है उसको एक साथ गाइस यहां पे अटैच करना है। तो आइए गाइस यहां पे देखते हैं कि एक्चुअल में गाइस यहां पे कैसे ये जो अचीवमेंट है इसको यहां पे मैंने कंप्लीट किया। और गाइस यहां पे बता दूं कि आप लोगों को 20 अचीवमेंट पॉइंट आराम से यहां पे मिल जाएगा बस एक ही मैच के अंदर। तो इससे मतलब यहां पे इजी भला और क्या ही हो सकता है। तो बस गाइस आप लोगों यहां पे क्या करना है, सिंपली गाइस यहां पे देख सकते हो क्लासिक मोड के अंदर जो ड्रैगन बॉल वाला गाइस यहां पे मोड है उसी को आप लोगों को लगा लेना है। और ध्यान रखिएगा यहां पे सोलो डुओ स्क्वाड कुछ भी लगाइए, बस गाइस यहां पे रैंक्ड मोड के अंदर आप लोगों को इरेंगल को लगा लेना है। और जैसे गाइस यहां पे इरेंगल मैप आप लोग लगा लीजिएगा उसके बाद गाइस आइए आप लोगों को एक करके डिटेल में बताता हूं। तो देख सकते हो गाइस मैं आप लोगों को एक करके यहां पे लोकेशन बता देता हूं। तो सबसे पहले गाइस यहां पे जॉर्जो पुल में आप लोगों को एक गाइस यहां पे डक वाला आइलैंड दिख जाएगा। उसके अलावा गाइस यहां पे प्रीमोर्स में आप लोगों को एक और गाइस यहां पे आइलैंड दिख जाएगा। उसके अलावा गाइस यहां पे जो दोनों गाइस यहां पे आप लोगों का ब्रिज रहता है उसके ठीक बीचों बीच में दिख जाएगा, और एक गाइस यहां पे नोवो में आप लोगों को दिख जाएगा। और फिलहाल के लिए गाइस यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, जो गाइस यहां पे दो ब्रिज है उसी का बीचों बीच में गाइस यहां पे मैं आप लोगों को चलिए लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि आप लोगों को कैसे ये जो अचीवमेंट इसको कंप्लीट करना है। तो देख सकते हो गाइस मैं बिल्कुल बीचों बीच में गाइस यहां पे आ चुका हूं, यानी कि यहां पे जो दो आप लोगों का ब्रिज रहता है उसके ठीक बीचों बीच वाला जो लोकेशन है वहां पे आ चुका हूं। और जैसे गाइस यहां पे आइएगा तो उसके बाद गाइस यहां पे आप लोगों को सिंपली क्या करना है, देख सकते हो गाइस यहां पे 3 आप लोगों को आइलैंड दिख रहा है। तो अभी गाइस यहां पे क्या करता हूं, ये जो बोट है उससे गाइस यहां पे सीधा आप लोगों को आइलैंड में लेके चलता हूं, और उसके बाद गाइस यहां पे आगे का आप लोगों को प्रोसेस बताता हूं। तो सिंपली गाइस यहां पे देख सकते हो जैसे ही आप लोग यहां पे आइलैंड के सामने आ जाएगा तो सबसे पहला तो गाइस यहां पे काम ये करना कि अगर आप लोग पास गन है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो आप लोग को देख सकते हो गाइस यहां पे बीच में एयर ड्रॉप दिखेगा। बस गाइस इससे क्या करना है कि आप लोग को एक एटलीस्ट यहां पे गन को लूट कर लेना, वरना गाइस यहां पे बाद में एनिमी आएगा तो आप लोग को प्रॉब्लम होगा। उसके बाद गाइस अब यहां पे देख सकते हो आप लोग को अलग अलग गाइस यहां पे ये जो डक बोट रहता है ये गाइस यहां पे पड़ा हुआ दिख जाएगा। तो बस गाइस अब आप लोग क्या करना है कि जो डक बोट है उसको एक एक करके गाइस यहां पे आप लोग को देख सकते हो यहां पे यूज करते जाना, यानी कि चलाते जाना, और सामने गाइस यहां पे अटैच का ऑप्शन दिखेगा। और जैसे गाइस यहां पे अटैच का आप लोग को ऑप्शन दिखेगा उसके बाद गाइस यहां पे एक एक करके जितना भी गाइस यहां पे डक बोट रहेगा सभी को गाइस यहां पे आप लोग को अटैच करते जाना। जैसे गाइस यहां पे देख सकते हो मैं 2 अटैच कर चुका हूं, अब तीसरा गाइस यहां पे देख सकते हो जैसे ही मैं पास जाऊंगा तो यहां पे अटैच का ऑप्शन दिख जाएगा। तो 3 गाइस यहां पे देख सकते हो जो डक बोट है इसको गाइस यहां पे मैंने अटैच कर दिया। अब चलिए गाइस यहां पे क्या करता हूं, बाकी जो और गाइस यहां पे देख सकते हो 2 आइलैंड है, तो यहां पे गाइस कुछ और आप लोग को डक बोट यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो आइए गाइस यहां पे सीधा आप लोग को लेकर चलता हूं नेक्स्ट वाला जो डक बोट है उसके सामने, और देख सकते हो गाइस मैं थोड़ा धीरे धीरे करके लेके जा रहा हूं। और अभी यहां पे देख सकते हो अटैच का ऑप्शन आ गया, तो 4 गाइस यहां पे देख सकते हो जो यहां पे डक बोट है उसको यहां पे मैंने अटैच कर दिया। अब चले गए यहां पे जो 5th वाला यहां पे डक बोट है इसको भी गाइस यहां पे अटैच कर देता हूं, उसके बाद गाइस यहां पे आगे दिखाता हूं। तो ओके गाइस यहां पे देख सकते हो एक और को मैंने यहां पे अटैच कर दिया, तो 5 गाइस यहां पे जो डक बोट है वो मैंने अटैच कर दिया। अब गाइस यहां पे चलिए ये जो 6th वाला है इसको भी यहां पे अटैच कर देता हूं, तो थोड़ा सा गाइस यहां पे पीछे आना पड़ेगा और थोड़ा सा गाइस यहां पे और पीछे आ जाता हूं। तो ओके गाइस यहां पे देख सकते हो फाइनली मैंने गाइस यहां पे जो 6 डक बोट है उसको यहां पे मैंने अटैच कर दिया। बाकी अगर इसके अलावा यहां पे देख सकते हो 2-3 और आप लोगों को यहां पे डक बोट दिख रहा होगा, लेकिन गाइस यहां पे क्योंकि मैंने 6 ऑलरेडी गाइस यहां पे अटैच कर दिया तो इतना ही में गाइस यहां पे जो आपका काम है वो यहां पे हो जाएगा। लेकिन चलिए गाइस यहां पे मैं क्या करता हूं कुछ और गाइस यहां पे डक बोट को अटैच कर देता हूं, और अब आप लोग गाइस यहां पे लाइव प्रूफ के साथ भी दिखा देता हूं। और आप लोग भी चाहो तो गाइस यहां पे खुद से काउंट कर सकते हो कि टोटल मिला के कितना डक बोट यहां पे देख सकते हो अटैच है। तो देख सकते हो गाइस यहां पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि टोटल मिला के गाइस यहां पे 7 डक बोट को गाइस यहां पे मैंने अटैच कर दिया है। तो बस गाइस यहां पे मिनिमम आप लोग को 6 बोला गया था और मैंने गाइस यहां पे 7 डक बोट को यहां पे अटैच कर दिया। उसके बाद गाइस अब आप लोग क्या करना है कि सिंपली गाइस यहां पे पूरा मैच को आप लोग फिनिश कर देना, और जैसे गाइस यहां पे मैच आप लोग का एंड हो जाएगा उसके बाद गाइस अब आप लोग चलिए सामने गाइस यहां पे लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूं कि मेरा गाइस यहां पे जो अचीवमेंट है वो यहां पे कंप्लीट हुआ या फिर नहीं।
तो क्या यार यहाँ पे देख सकते हो मैच मेरा एंड हो चुका है और अब गए यहाँ पे सीधा चलते हैं हम लोग लॉबी में और उसके बाद गए यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ भी दिखाता हूँ। तो क्या यार यहाँ पे देख सकते हो मैं सीधा आ चुका हूँ लॉबी में और जैसे ही आप लोग लॉबी में आइएगा तो देख सकते हो गए यहाँ पे जो डक फ्लीट करके जो अचीवमेंट है वो मेरा गए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और 20 अचीवमेंट पॉइंट और साथ में गए यहाँ पे देख सकते हो 6 स्क्रैप कूपन है जो कि यार यहाँ पे मेरे को मिल गया। यानी कि यार इस टाइप से आप लोग चाहो तो ये जो अचीवमेंट है इसको एक मैच के अंदर इजिली गए यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो और इस टाइप से गए यहाँ पे 20 अचीवमेंट पॉइंट और साथ में 6 स्क्रैप कूपन मिल जाएगा। तो जाइए गए और आप लोग भी जाकर गए इसी टाइप से यहाँ पे ट्राई कीजिए और उसके बाद गए जहाँ पे आप लोग कमेंट बताइएगा कि ये अचीवमेंट गए जहाँ पे आप लोग का इजीली यहाँ पे कंप्लीट हुआ या फिर नहीं और उसके अलावा गए जहाँ पे डक बोट को आप लोग गए जहाँ पे यूज करके बताइएगा कि आप लोग को गए जहाँ पे ये न्यू वाला बोट कैसा लगा। तो बस गए यही था जो कि इस वीडियो के अंदर आप लोग बताना था। उसके अलावा गए जहाँ पे कुछ भी डाउट रह गया तो आप लोग चाहो तो कमेंट में पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो जल्द से जल्द इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी टाइप का अमेजिंग कंटेंट आगे भी आप लोग को देखने को मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।